तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लाइट यानी कि फिफ्थ ऑफ द फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट की असली ताकत को देखेंगे। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो के एंड में हमने देखा था कि फ्रीजा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पावर अप करता है और उसके बाद वो एकदम से ही लाइट तक पहुँचता है और उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर लाइट बहुत ही आराम से अपनी जगह पर खड़े हुए ही फ्रीजा के पंच को रोक लेता है और ऐसा लगता है कि उसे ज़रा सा फ़र्क भी नहीं पड़ा, यहाँ तक कि लाइट के चेहरे के एक्सप्रेशन में भी ज़रा सा फ़र्क भी नहीं आया होता। फ्रीजा बिल्कुल हैरान रह जाता है और बोलता है क्या। उसे लग रहा था कि लूसिफ की ताकतों का इस्तेमाल करके वो लाइट के खिलाफ बहुत ही आराम से जीत जाएगा। फ्रीजा बोलता है क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, नहीं ये फिर से मेरे साथ नहीं हो सकता। इसके बाद फ्रीजा अपने हाथ को एकदम से ही पीछे करता है और तभी हम देखते हैं कि उसकी टेल मूव कर रही है, वो अपने टेल से लाइट को मारने वाला होता है और फ्रीजा के चेहरे को देख के ये भी पता चल रहा होता है कि वो लाइट से बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है और उसे लाइट पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है, पर लाइट अभी भी अपनी जगह पर बिल्कुल शांति से खड़ा होता है। लाइट बस अपनी जगह पर रह के फ्रीजा को घूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही काफ़ी सारे स्लैश होते हैं, हर तरफ अंधेरा छा जाता है और इसके बाद हम फ्रीजा को देखते हैं। हम देखते हैं कि लाइट अचानक से ही फ्रीजा के पीछे पहुंच गया है और उसके हाथ में उसकी डिवाइन स्वॉर्ड भी है और इसके बाद हम फ्रीजा के चेहरे को देखते हैं। फ्रीजा का चेहरा काफ़ी हैरान होता है, वो बोलता है रुको क्या। फ्रीजा के चेहरे को देख के पता चल रहा होता है कि लाइट अपनी जगह से सिर्फ हिला नहीं है, उसने फ्रीजा के साथ ज़रूर कुछ किया है। तभी एक आवाज़ आती है, हम देखते हैं कि फ्रीजा की कटी हुई टेल ज़मीन पर जाके गिरती है। फ्रीजा पीछे मुड़ के देखता है और हम देखते हैं कि उसकी टेल अब कट चुकी है। फ्रीजा बहुत ही गुस्से में बोलता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। फ्रीजा दर्द से एकदम से ही कराहने लग जाता है और एकदम से ही चिल्लाता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया। फ्रीजा इसके बाद चिल्लाते हुए एकदम से ही ज़मीन की तरफ जाता है और किसी बच्चे की तरह एकदम से ही गुस्से में अपने हाथों को ज़मीन पर मारता है। फ्रीजा इसके बाद चिल्लाता है कि मैं तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। हम देखते हैं कि लाइट अभी भी हवा में होता है और पीछे मुड़ के वो एकदम से हंसता है और बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर कुछ देर पहले क्या तुमने मेरे साथी मकोटो से ये नहीं कहा था कि तुम्हारी टेल की वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। मेरे हिसाब से मैंने तो तुम्हारी सिर्फ मदद ही करी है, जैसे कि तुमने उसकी करी थी मॉडल। लाइट फ्रीजा को याद दिलाता है कि उसे गुस्सा होने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि उसने यही चीज़ मकोटो के साथ भी करी थी। तभी हम गोकू को देखते हैं। गोकू फ्रीजा की हालत को देख के हैरान रह जाता है क्योंकि कुछ ही सेकंड पहले गोकू फ्रीजा की ताकतों से काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस्ड लग रहा था और अब गोकू बिल्कुल हैरान है कि इस बच्चे ने फ्रीजा को इतने आराम से कैसे हरा दिया। गोकू बोलता है कि वो हमारे लेवल पर नहीं है, वो हमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है। फ्रीजा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और एकदम से ही फिर से वो लाइट पर अटैक करने के लिए बढ़ता है और बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, मैं तुमसे वादा करता हूँ। फ्रीजा बदला लेने के लिए अंधा हो चुका है और वो गोकू की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता। फ्रीजा लगातार फिफ्थ यानी कि लाइट की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं कि लाइट फ्रीजा को देख के बस स्माइल करता है और एकदम से ही अपनी तलवार को हवा में फेंक देता है और लाइट फ्रीजा को उसकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर बोलता है कि नॉर्मली डीमंस को पता चल जाता है कि जब उनकी पूंछ कट गई हो तो हार मानने का समय आ गया है, पर तुम्हें देख के लगता है कि तुम्हारे साथ काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो ठीक है तुम्हें स्माइट करने में मैं काफ़ी समय लगाऊंगा। फ्रीजा लाइट की बातों को सुन लेता है और गुस्से में बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं लॉर्ड फ्रीजा हूँ। लाइट बस फ्रीजा को देख के स्माइल करता रहता है और बोलता है अच्छा फ्रीजा तुम्हारे इस नाम के साथ तुम डीमन रॉयल में बहुत ही आराम से फिट हो जाओगे, पर बुरी बात यह है कि वहाँ नीचे एक एम्परर बनने के लिए तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी एकदम से फ्रीजा आके लाइट को किक मारने की कोशिश करता है, पर लाइट सिर्फ अपने सर को झुका के बहुत ही आराम से बच जाता है। झुका हुआ होने के बावजूद भी वो फ्रीजा को लगातार देख रहा होता है और उसके चेहरे पर अभी भी स्माइल होती है। लाइट बोलता है तुम्हें पता है कि जो लोग डीमन एम्परर के लेवल पर पहुंच नहीं पाते हैं उनकी किस्मत में नर्क से भी बुरे हालात लिखे होना तय है, लगातार पिटाई और लगातार मौत, वो भी बिना रुके इटर्निटी तक, इसीलिए इतने सारे डीमंस वहां से भागने का सपना देखते हैं, तो तुम्हारा जो भी समय इस रैल में बचा है उसे एंजॉय करो जब तक तुम कर सकते हो। तुम्हारे और मकोटो जैसे कमज़ोर सिर्फ ये उम्मीद करेंगी कि काश तुमने अपना चेहरा मेरे सामने कभी ना दिखाया होता। फ्रीजा इसके बाद फिर से अटैक करने के लिए लाइट की तरफ बढ़ता है और एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना लेता है
वो बोलता है कि मैं कई दशकों तक बहुत ही बुरे हाल में रहा हूँ, तो तुम्हारी धमकियों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फ्रीजा उस समय की बात कर रहा है जब गोकू ने फ्रीजा को हेल से रिवाइव किया था। फ्रीजा एकदम से ही लाइट तक पहुंच के उसे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है, पर हम देखते हैं कि लाइट वहां से पहले ही गायब होने में कामयाब हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि लाइट फ्रीजा के एकदम से ही पीछे पहुंच जाता है और लाइट के दोनों हाथ अभी भी उसकी जेब में होते हैं। फ्रीजा जल्द ही इस चीज़ को नोटिस कर लेता है। फ्रीजा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बच्चे इधर आओ। और जैसे कि लाइट फ्रीजा की बात मान रहा हो, एकदम से ही हम देखते हैं कि लाइट फ्रीजा के बराबर में आके खड़ा हो जाता है। फ्रीजा हैरान होकर बोलता है, क्या? लाइट बोलता है कि ठीक है, लो मैं यहाँ पर आ गया, बताओ अब क्या करना है फ्रीजा। फ्रीजा इसके बाद लाइट को अपने हाथों से जकड़ने की कोशिश करता है, पर हम देखते हैं कि लाइट एक बार फिर से समय पर गायब हो जाता है। फ्रीजा इसके बाद चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि मैं इससे थक चुका हूँ, मैं बहुत लंबे समय से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी कुछ सहा है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। फ्रीजा लाइट के सामने अपनी कमजोरी को देख के ऐसा लगता है कि पागल होने लग गया है। तभी फ्रीजा अपने चारों तरफ देखने लग जाता है और बोलता है कि तुम आखिर कहाँ हो। फ्रीजा लाइट को चारों तरफ ढूंढ रहा होता है, पर लाइट कहीं भी नहीं दिख रहा होता, और गोकू भी नीचे से ये सब कुछ देख रहा था। गोकू भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि वो अभी भी अपनी सेल्फ एमआई का इस्तेमाल कर रहा है और अपनी इस आँख से वो वेजिटो की भी मूवमेंट्स को देख सकता है, पर इन आँखों से वो लाइट की मूवमेंट्स को भी नहीं देख पा रहा। गोकू हैरानी से बोलता है कि यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही सेंस करने के लिए, वो गायब होने के लिए सुपर स्पीड का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, ये पूरे तरीके से कोई और चीज़ है, मैं उसके अंदर से किसी भी तरीके की एनर्जी को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो गॉडली हो या ना हो। तभी हम देखते हैं कि लाइट बैटलफील्ड में वापस आ जाता है और कहीं पर बैठा हुआ होता है। वो बोलता है कि यहाँ देखो तुम डीमन कहीं के। लाइट बिल्कुल काम होता है और उसके चेहरे पर स्माइल होती है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा लाइट को नोटिस करता है। लाइट पास ही के एक पत्थर पर बैठा हुआ था और लाइट इसके बाद बोलता है कि क्या तुम वहीं पर खड़े रहोगे और मुझे बेवकूफ़ों की तरह देखते रहोगे? अगर तुम सच में गॉड किलर हो तो तुम एक मजाक हो। फ्रीजा गुस्से में बहुत बुरी तरीके से चिल्लाता है और चिल्लाता है कि कभी भी लूसिफ से इस तरीके से बात मत करना। फ्रीजा के ये बोलने से दो में से एक बात क्लियर है कि या तो फ्रीजा पागल होने लग गया है या फिर लूसिफ ने फ्रीजा की बॉडी पर कब्जा करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। फ्रीजा खुद को ही लूसिफ बोल रहा है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीजा अपना हाथ उठाता है। फ्रीजा चिल्लाकर बोलता है कि तुमने मेरे साथ जो किया है उसके लिए मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा। फ्रीजा अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाने लग जाता है और इसके बाद फ्रीजा अपने इस अटैक को लाइट की तरफ शूट करता है। इस अटैक का नाम होता है डेथ बीम बैराज। फ्रीजा लगातार काफ़ी सारी डेथ बीम्स को लाइट की तरफ शूट करने लग जाता है। जहाँ पर लाइट बैठा था वहाँ पर लगातार बीम्स की वजह से ब्लास्ट होने लग जाता है। और जैसे ही फ्रीजा अपने अटैक्स करना बंद करता है, हम देखते हैं कि जहाँ पर लाइट बैठा था वहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचता, वहाँ पर सिर्फ एक गड्ढा दिख रहा होता है। फ्रीजा को लगता है कि उसने लाइट को हरा दिया और वो एकदम से ही हंसने लग जाता है। फ्रीजा ने इतनी ताकत का इस्तेमाल किया होता है कि उसे लगातार पसीना आ रहा होता है और वो बोलता है, हाँ भले ही तुम कितने भी ज़्यादा तेज़ हो पर मेरी डेथ बीम के मुकाबले कोई भी इतना तेज़ नहीं हो सकता, एटलीस्ट मेरी हज़ार बीम्स के मुकाबले तो तेज़ हो ही नहीं सकता। अब चूहे कहीं के तुम आराम करो। तभी फ्रीजा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो किसी चीज़ की तरफ देख रहा है और बोलता है, क्या? फ्रीजा का सारा कॉन्फिडेंस एक ही झटके में ख़त्म हो गया और इससे फ्रीजा को ये भी समझ आ गया कि उसके और लाइट के बीच में पावर का डिफरेंस कितना बड़ा है। हम देखते हैं कि लाइट अपनी जगह पर बहुत ही आराम से खड़ा होता है। उसके चारों तरफ एक लाइट का बैरियर होता है, लाइट के हाथ उसकी जेब में होते हैं और इससे ये बात भी क्लियर हो जाती है कि लाइट को फ्रीजा के अटैक से ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ा। लाइट फ्रीजा को देख के हंस रहा होता है। लाइट इसके बाद बोलता है कि चलो एक बात मैं तुम्हें और बता देता हूँ, मैं तुम्हारे किसी भी अटैक को बहुत ही आराम से कभी भी डॉज कर सकता था, मुझे बस ये लगा कि मुझे इस लाइट शो को एंजॉय करना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि लाइट के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा ईवल स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि पर अब मैं तुम्हें इससे भी बेहतर लाइट शो दिखाता हूँ। और अगले ही पल हम देखते हैं कि लाइट फ्रीजा के बराबर में पहुँच जाता है। लाइट के चारों तरफ अभी भी उसका बैरियर होता है। फ्रीजा बहुत ही हैरानी से बोलता है, क्या? फ्रीजा खुद को डिफेंड करने के लिए एकदम से ही पंच बना लेता है और हम देखते हैं कि वो ये पंच लाइट को मारता है। लाइट अपनी जगह पर खड़ा रहता है और हम देखते हैं कि फ्रीजा का हाथ लाइट के बैरियर से टकरा जाता है। लाइट को देख के ऐसा लग रहा होता है कि उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में होते हैं। जैसे ही फ्रीजा का हाथ लाइट के बैरियर से टकराता है, हम देखते हैं कि फ्रीजा का हाथ टूट जाता है। लाइट बस शांति से अपने बैरियर के अंदर से ये सब कुछ देखता रहता है। फ्रीजा का हाथ टूटते ही फ्रीजा दर्द से एक बार फिर से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि ये क्या। फ्रीजा दर्द से कराते हुए अपने हाथ को पकड़ लेता है
तभी हम देखते हैं कि लाइट और भी ज़्यादा तेज़ी से चमकने लग जाता है। लाइट बोलता है कि ये सब कुछ बहुत हो गया, चलो अब मैं तुम्हें अपना लाइट शो दिखाता हूँ, इसे एंजॉय करना। हम देखते हैं कि फ्रीजा बिल्कुल हैरान होता है। फ्रीजा के सामने लाइट का बैरियर एकदम से ही चमकने लग जाता है। ऐसा लगता है कि लाइट अंदर से गायब हो चुका है और फ्रीजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। लाइट की एनर्जी बॉल और भी ज़्यादा चमकदार होती जा रही होती है। अगले ही पल में हम देखते हैं कि एक एक्सप्लोजन हुआ होता है जिसके निशान चारों तरफ दिख रहे होते हैं। हम देखते हैं कि फ्रीजा ज़मीन पर बैठा हुआ होता है। फ्रीजा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रही होती है। वो बोलता है कि ये आखिर क्या था। फ्रीजा ज़मीन पर अपने एक घुटने पर बैठा हुआ होता है। गोकू अपने सेरेफिम आई से ये सब कुछ देख रहा था। वो बोलता है कि क्या। गोकू हैरानी से बोलता है कि वो अटैक तो इतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं लग रहा था, उसकी वजह से तो बहुत ही हल्का सा एक्सप्लोजन हुआ था, तो फिर उसकी वजह से फ्रीजा को इतनी ज़्यादा चोट कैसे पहुँची। इसके बाद हम लाइट को देखते हैं। लाइट हंस रहा होता है, उसने अभी भी अपने हाथों को जेब में डाला हुआ होता है। लाइट बोलता है, बच्चे जैसा कि मैंने कहा, डीमंस को स्माइट करना एक गॉड का काम है, ना कि बेवकूफ़ मॉर्टल्स का। मैंने उस अटैक को करते हुए अपनी थोड़ी बहुत डिवाइन स्माइटिंग एनर्जी को उसमें मिला दिया था, उसकी वजह से इसे थोड़ी बहुत देर तक जलन महसूस होती रहेगी, और अब एटलीस्ट वो इतना कमज़ोर हो गया है कि उसके आखिरी मोमेंट्स को मैं इंजॉय कर सकता हूँ। और एकदम से ही लाइट के चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा होता है। वो बोलता है कि मेरा विश्वास करना, मैं इसे काफ़ी इंजॉय करूँगा। लाइट फ्रीजा पे अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो रहा होता है। इसके बाद लाइट अपने हाथों को अपनी जेब से बाहर निकालता है। लाइट अपने एक हाथ को अपने आगे रखता है और बोलता है कि फ्रीजा मेरी बात सुनो, मैं अब तुम पर अपना एक असली अटैक करने वाला हूँ। अगर तुम इस अटैक को डॉज करने में कामयाब हो गई तो तुम जीत गई, अगर तुम हारी तो तुम मारे जाओगी, अब ध्यान से देखना। जैसे ही लाइट ये बोलता है, हम देखते हैं कि लाइट के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच पड़ता है। ये पंच इतना ज़बरदस्त था कि लाइट के भी मुंह से खून निकलने लग जाता है। लाइट हैरानी से बोलता है, क्या। लाइट ज़मीन से टकराता हुआ एकदम से ही दूर जाके गिरने लग जाता है, और कुछ देर में लाइट अपने आप को संभालता है। लाइट उसे पंच मारने वाले को पहचान लेता है और काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है। वो बोलता है, तुम क्या यहाँ पे मजाक चल रहा है, क्या तुम कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ने वाले। लाइट के एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा होता है कि वो इस शख्स को पहले से ही जानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो शख्स कोई और नहीं, यामोशी है, यानी कि थर्ड ऑफ द फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट। लाइट को देखकर यामोशी बोलता है कि तुम जरा से भी नहीं बदले हो लाइट। यामोशी को देख के पता चल रहा होता है कि वो भी पिछले 20 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है। यामोशी के बाल भी पहले के मुकाबले काफ़ी अलग लग रहे होते हैं, और अब आखिरकार लगता है कि दो फाइव स्ट्रॉन्गेस्ट के मेंबर्स के बीच में फाइट शुरू होने वाली है। हम लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि यामोशी अब कितना ताकतवर हो चुका है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपने आज की ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो नीचे कमेंट कीजिए यामोशी वर्सेस लाइट। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।